नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है? आज भविष्य मालिका एक्सपोज नामक एक वीडियो मेरे पास में किसी ने फॉरवर्ड किया। मोस्ट ऑफ द टाइम वो वीडियोस मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन वो वीडियो देखने पे मैं मजबूर हो गया। जब उस वीडियो को मैंने देखा तो मुझे वो वीडियो आज तक का सबसे बेहतरीन वीडियो लगा जो भविष्य मालिका के ऊपर बनाया गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्सपोज्ड भविष्य मालिका। आप लिखेंगे आपके पास में वो वीडियो यूट्यूब पर आ जाएगा। और एक एक बात उस व्यक्ति ने बिल्कुल सत्य बताई है। इस बारे में मैंने आपको बहुत टाइम पहले भी बताया था, भविष्य मालिका झूठी है या फिर उसको झूठा बनाया गया है। आप मेरे YouTube चैनल पे वो वीडियो सर्च करेंगे, आपको पता लग जाएगा उस वीडियो के अंदर क्या क्या बातें मैंने बोली गई है। मोस्ट ऑफ द वीडियोस के अंदर मैं ये बात बोल देता हूँ कि मेरे पास में जो भविष्य मालिका की प्रंतियाँ लिखी रखी हुई हैं उनके अंदर ये बात नहीं लिखी गई है। अगर किसी ने इस बात को सुना है तो कृपया करके मुझे वो भेजें या मुझे वो बताएं और प्रूफ के साथ में भेजें। दो दिन पहले की वीडियो में भी ये बात बोली थी, उससे पहले भी ये बात बोली थी। और जो बात भविष्य मालिका के अंदर रिलेट करती है वो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। कई बार पुरानी वीडियोज़ में वो प्रतिलिपियाँ दिखाई भी गई हैं। तो जो ये बात बोली कि भविष्य मालिका का श्लोक बनाना, हकीकत की बात बिल्कुल सत्य बताई जा रही है। भविष्य मालिका के नाम पर उड़िया भाषा के अंदर, उड़िया में रहने वाले लोगों के लिए श्लोक बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जिस प्रकार से हिंदी में हम लोगों को किसी भी प्रकार की बात बताना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसे आप लोग बहुत सारे चैनल देखे होंगे जिन्होंने भविष्य मालिका के रिलेटिवली कई वीडियोज़ बनाई। कई माने जाने चैनल जिन्होंने बहुत टाइम तक उसके ऊपर यकीन भी किया और बाद में उसको एक्सपोज भी किया, और एक्सपोज जब किया जब उन्होंने लगातार उन बातों से हट गए, तो दुनिया के अंदर डर का माहौल पैदा कर रखा है भविष्य मालिका के नाम पर। भविष्य मालिका के अंदर लिखी गई हर बात सत्य नहीं हो रही है। भविष्य मालिका कोई झूठी नहीं है, लेकिन भविष्य मालिका को जिस प्रकार से बताया जा रहा है वो हकीकत में झूठ है। अब एक बात आप मेरे को बताइए, भविष्य मालिका की हर बात कैसे भविष्य मालिका से रिलेट करके बता दी जाती है? कई ऐसे चैनल है जिसको आप लोग देखते हैं लगातार, जो हिंदी भाषा के अंदर उसको डिकोड करके बता रहे हैं। दुनिया भर के चैनल हैं, वो प्रतिलिपियां दिखा रहे हैं फ्रंट पेज की। फ्रंट पेज की प्रतिलिपियां अगर दिखाई जा रही हैं, दोस्त जब आप श्लोक बोलते हैं उस श्लोक को अपने वीडियो के पीछे क्यों नहीं लगाते? क्यों उस श्लोक को भविष्य मालिका के अंदर नहीं बताते कि किस मालिका के अंदर किस पेज के ऊपर ये लिखा गया और ये श्लोक मैं डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर साइड में लगा रहा हूँ? जब विध्वंसक वीडियोस लगानी होती है, उल्कापिंड गिरने वाले टेक्सचर्स लगाने होते हैं, कहीं पे आग लग गई है वो टेक्सचर्स लगाने होते हैं, तो आप लोग लगा देते हैं। लेकिन भविष्य मालिका के नाम पर ठगी चला रखी है, आप लोग उस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं लगाते? क्यों अपनी UPI IDs आप लोगों ने चैनल के नीचे डाल रखी है कि हमारे को सपोर्ट करो? किस बात के लिए सपोर्ट करना है? भविष्य मालिका के नाम के ऊपर झूठ फैलाने के लिए सपोर्ट करना है? दोस्तों मैंने बोला कि मैं कुंडली देखता हूँ लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देखता। क्यों नहीं देखता फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट की अहमियत नहीं रहती। लोग दुनिया भर के हैं जो रोड साइड भी बैठे रहते हैं, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, बहुत छोटे छोटे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, लेकिन उन चीज़ों को देखने का नज़रिया, उन ग्रहों की स्थिति को बताने का तरीका अलग अलग होता है। यही रीज़न होता है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देखते। पढ़ाई करी है, पैसे खर्च किए हैं पढ़ाई करने के अंदर। जिस प्रकार से एक ग्रेजुएट व्यक्ति पढ़ने के बाद में नौकरी पाता है, अगर उसको बोला जाए कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट काम कीजिए तो क्या वो काम करेगा? यही रीज़न है कि मैं कुंडली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देखता। आप लोगों को चाहे अच्छा लगे इस बारे में, चाहे बुरा लगे, लेकिन जो सत्य है वो बताता हूँ, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देखता। लेकिन मैंने आप लोगों से कभी डोनेशन की डिमांड नहीं करी, और जो लोग भी भविष्य मालिका को एक्सपोज कर रहे हैं उन लोगों ने कभी डोनेशन की डिमांड नहीं करी होगी। जो लोग भविष्य मालिका के नाम पर फैला रहे हैं, गलत बात फैला रहे हैं, आप देखिए हर चैनल हर कमेंट बॉक्स के नीचे UPI ID डाला हुआ है कि हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए, मठ बनाने के लिए, इनके लिए। दुनिया भर की चीज़ें लगातार भविष्य मालिका के नाम पर आ रही हैं। हर वीडियो के लास्ट में एक ही प्रश्न मेरे पास में आता है,
बुरे लोग अच्छे लोग आते जरूर हैं, देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, बुरे लोग भी देख रहे हैं, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भविष्य मालिका के नाम पर फैलाई जा रही ठगी के कारण जो बोला जा रहा है कि 64 करोड़ लोग ही बचेंगे, दोस्त 64 करोड़ लोग क्या हकीकत में बचेंगे? इन्होंने माँ काली के मंदिर तक को नहीं छोड़ा, उसके ऊपर भी ये बात बोल दी कि भारत के ऊपर माँ काली के मंदिर के ऊपर आक्रमण होगा और उसके ऊपर परमाणु बम गिरेगा, और जो जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर परमाणु बम जाएगा वो जगन्नाथपुरी रोक देंगे। क्या माँ काली के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि उस परमाणु बम के मंदिर के ऊपर गिरने से पहले उसको रोक दें? दोस्त वो तारापीठ का मंदिर आज भी गवाह है जो बॉर्डर के ऊपर बना हुआ है, और उसके ऊपर कितने बम उसके आसपास में गिरे, उस मंदिर के अंदर भी बम अभी भी रखा हुआ है लेकिन वो बम नहीं फटा है। तो किस प्रकार से ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, किस प्रकार से ये झूठ फैला रहे हैं, और आप लोग उनकी वीडियो को लगातार देख रहे हैं, लगातार उनको लाइक कर रहे हैं, लगातार उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हाँ भ्रम की स्थिति को फैलाओ। इसमें दोष आप लोगों का नहीं है, इसमें दोष उनका है जो हकीकत में आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। बहुत अच्छा वीडियो बनाया दोस्त ने, बहुत सारी बातें बनाई, उड़िया का वो श्लोक उन्होंने बता के आप बहुत अच्छी बात तेजी से बताया कि जी न्यूज़ के चैनल के ऊपर परमाणु बम का हमला होगा, उत्तराखंड से परमाणु मिसाइल छोड़ेगा चाइना और दिल्ली के अंदर गिर जाएगी। क्या भारत को इतना कमज़ोर समझा हुआ है कि चाइना वहाँ से मिसाइल छोड़ेगा और वो मिसाइल आके भारत के ऊपर गिर जाएगी? दोस्तों इस बात को गहराई से समझो, सपोर्ट करो, हकीकत में करो, उस चीज़ का सपोर्ट करो जो सत्य है, उस चीज़ का सपोर्ट मत करो जो असत्य है। और जो चीज़ जो लोग इस बारे में श्लोक पहले बोल के बता रहे हैं, वो श्लोक अपने मन से बना रहे हैं क्योंकि उड़िया भाषा बोलना उनके लिए नॉर्मल बात है, और नॉर्थ इंडियन इंडिया से बाहर रहने वाले लोग जो लगातार उनको देख रहे हैं, जब उस वीडियो के नीचे मैंने कमेंट्स पढ़े तो लाखों की संख्या में उड़िया में रहने वाले लोगों ने उस वीडियो को समर्थन कर रखा था। जब मैं खुद उड़िया में मैं उड़ीसा के अंदर विजिट किया, कई बार विजिट किया है मैंने, और भविष्य मालिका के बारे में रिसर्च नहीं लेकिन भविष्य मालिका के बारे में नॉर्मली बात करी, तो वहाँ के लोग एक बात बोलते हैं कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा धंधा बना हुआ है, एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है जो इस टाइम के ऊपर लूट मचा रहा है और लोगों को ठगी का कार्य कर रहा है। और सबसे ज़्यादा इस फंसी के अंदर आने वाले आप लोगों को मैं बता देता हूँ, नॉर्थ इंडियंस है, क्योंकि नॉर्थ इंडियंस इसलिए हैं क्योंकि नॉर्थ इंडियंस को उड़िया भाषा समझ में नहीं आती है, उन लोगों को अपनी हिंदी भाषा समझ में आती है, बहुत कम लोगों को संस्कृत भाषा समझ में आती है। तो उस श्लोक के नाम पर फैलाया जाने वाला ये सबसे बड़ा स्कैम है, हकीकत की बात है। बहुत माने जाने एस्ट्रोलॉजर, आप लोग भी उनके वीडियोस देखते थे, उन्होंने भविष्य मालिका के नाम पे किसी व्यक्ति के साथ में मिलके, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, बहुत टाइम तक उन्होंने वीडियोस बनाई और आज उन्होंने भविष्य मालिका के रिलेटिवली वीडियो बनाना बंद कर दिया है। वीडियोस मैंने भी भविष्य मालिका के रिलेटिवली बनाई हुई है, लेकिन हकीकत की बात बता रहा हूँ मैं आज भी, इस बात को हमेशा कहता हूँ कि जब तक भविष्यवाणियाँ सत्य नहीं हो जाती, जब तक आप उनके ऊपर यकीन नहीं कर सकते। अगर उड़िया भाषा के अंदर लिखी गई भविष्य मालिका सत्य है और उन्होंने सबसे पहले यह बात बोली कि ज्योतिष झूठा हो जाएगा, ज्योतिष सही आकलन नहीं कर पाएगा, यह बात मन से फैलाई गई। अगर इसी बात को मैं उठाता हूं तो इसके साथ में मैंने एक बात भी बोली हुई है कि भविष्य मालिका के लास्ट में यह भी लिखा हुआ है, ग्रंथ का नाम बता रहा हूं मैं आपको, भविष्य मालिका कल्कि मालिका के नाम से है, कल्कि भविष्य मालिका, जिसके अंदर यह बात लिखी गई है, पेज नंबर 98 के ऊपर यह बात लिखी गई है। और अगर आप ताड़पत्रों की बात करते हैं तो जाजपुर के अंदर वो ताड़पत्र मौजूद है, उस पर यह बात लिखी गई है कि मालिका एक ऐसा गुप्त ग्रंथ है, जब अच्युतानंद जास जी दोबारा जन्म लेकर इस धरा के ऊपर आएंगे तो वो ही इसको आगे बता पाएंगे और वो ही इस गुप्त ज्ञान को समझ पाएंगे। तो जो यूट्यूबर्स गुप्त ज्ञान को बता रहे हैं वो हकीकत में क्या खुद को, स्वयं को अच्युतानंद दास जी महाराज से ऊंचा समझते हैं? क्या हकीकत में वो भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं? ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया और चेहरा ना दिखाने के बावजूद भी
लगातार वीडियोस बना रहे हैं और वीडियोस बनाने के बाद में वो केवल श्लोक का वर्णन करते हैं और बोल के उसका तथ्य अपने मन से निकाल देते हैं, क्योंकि वो श्लोक भी उन्होंने अपने मन से बनाया हुआ है। अगर इतनी सत्य है तो पेज नंबर के साथ में उस मालिका का पृष्ठ भी लगाएं, ताकि हम लोगों को भी मालिका की सच्चाई समझ में आए और हम दिल से उसको सिर झुकाकर नमन करेंगे कि हाँ हकीकत में भविष्य मालिका सत्य है। तो तथ्य अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और आगे लोगों तक जरूर पहुँचाना, ताकि उन लोगों को भी पता लगे कि कौन से लोग हैं जो भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं। जी हाँ, इसके बाद में एक वीडियो आने वाला है जिसके अंदर एस्ट्रोलॉजी, ठोक बजा के क्यों बोल रहा हूं कि सत्य हो रही है एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि वो बात बोली गई है, वीडियो दिखाऊंगा उसके अंदर भी कि कब बोली गई थी वो बात और आज की डेट में कैसे वो सत्य साबित हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।